सर प्लीज हैंड ओवर आई एम सेटलमेंट दिस इज माई लंकेश आई एम गवर्नमेंट प्राम मिर्जापुर। शुद्ध नाम अगर पूछेंगे तो श्री पूजन है। अच्छा, और अशुद्ध नाम पूछेंगे तब रामीला स्टेट के रामण भी है। अच्छा, जितना मोरो चाहे भाजपा से कोई कैंडिडेट हो, चाहे मिश्रा है चाहे जो भी हो, यहाँ से मुकम्मल नहीं मिला ही ब्लॉक से। अच्छा, समस्या यहाँ की रही है, आज तक समाजवादी पार्टी कभी भी चुनाव नहीं जीती है, न तो जीत पाएगी। पता है कौन सा पार्टी जीती कह रही हूँ, यहाँ भाजपा जीत गया है, यहाँ भाजपा जीत गया है। अपने औरत को 500 रुपया दे रहा है, 2 दिन में खत्म हो जा रहा है। जितने का पनीर नहीं उतना का प्याज लहसुन आदि मर्चा हो जाएगा। यूपी में 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने थे, जिसमें से 9 सीटों पर उपचुनाव के घोषणा हो चुका है निर्वाचन आयोग के द्वारा। जिसमें से अगर हम लोग बात करें 10वें सीट का, तो जो अयोध्या में मिल्कीपुर सीट था उस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है, उस पर अभी जो चुनाव की घोषणा भी बाकी है। लेकिन जो बाकी के 9 सीटें हैं यूपी की, उसकी घोषणा हो चुकी है। इसलिए हम लोग इसमें पहुँचे हैं मिर्जापुर जिले के मझमा विधानसभा में, जहाँ पर कि आगामी भविष्य में उपचुनाव होने हैं। तो उसी का माहौल जानने के लिए हम लोग मझमा में थे और मझमा के पड़री क्षेत्र में पहुंचे हुए थे, जहां पर कि तमाम लोग एक चाय की दुकान पर मिल गए हैं। तो हम लोग इनसे थोड़ा बातचीत करेंगे कि आखिरकार माहौल क्या है, और साथ ही साथ यहां की जो समस्याएं हैं क्या है, जो कि पिछले विधायक उस चीज़ को पूरा नहीं कर पाए हैं। हमारे साथ एक साथी जुड़े हुए हैं और इन्हीं से हम लोग थोड़ा बातचीत करने का प्रयास करेंगे। परिचय क्या हुआ, आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम देखिए शुद्ध नाम अगर पूछेंगे तो श्री पूजन है। अच्छा, और अशुद्ध नाम पूछेंगे तब? और घर का हमारा नाम गुलेला हलवाई है। अच्छा, मतलब ऐसे शुद्ध नाम में और उर्फ में गुलेला भाई। नहीं, जो लिखित प्रमाण पत्र है वो श्री पूजन मदनवाल है। अच्छा, और घर पे सब हमें गुलेला हलवाई बुलाते हैं। मतलब एक उपनाम का दर्जा दिया गया है, सभी लोग एक ऐसे ही गांव में लोग बुलाते हैं उसी नाम से ये इनको पत्र की रे मारे गुलेलवा जी। अच्छा, मतलब ये गाना भी आप गाते रहते हैं क्या? हमारा मिला स्टेट के रामण भी है। अच्छा, चलिए, मतलब यहाँ पर विधानसभा चुनाव से पहले रावण की ही बात हो जाए तो यह बताइए, रावण तो जल गया, अभी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? देखिए, रावण जो है अब वो सच्चू का थोड़ी हमको मारेगा। हाँ। अरे वो अपना बाढ़ मार दिया, मैंने गिर गया, मर गए। कितने सालों से ये किरदार आप निभा रहे हैं यहाँ पे? हम यहाँ रामलीला स्टेज पे रंगारंग जो स्टेड है यहाँ पे हम 17-18 साल रावण का पाठ किए। अच्छा, अभी भी लगातार जारी है? नहीं, हम स्टेड पर नहीं चढ़ते हैं, रिजाइन नहीं दिए उससे। अच्छा, दूसरों को पाठ लिखवा दिया। चलिए, वो सब तो बात रही पाठ की, लेकिन हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव उपचुनाव की। अभी आपसे बार बार एक ही बार कह रहे हैं, यहाँ पे जो चुनाव होगा चाहे सुचमिता मौर हो, चाहे सुमिता मौर हो, चाहे भाजपा से कोई कैंडिडेट हो, चाहे मिश्रा है चाहे जो भी हो, यहाँ से सपा की टिकट निकलेगी। अच्छा, विधायक आप कह रहे हैं कि सपा की टिकट निकलेगी, लेकिन अभी आज तक 1952 से लेकर के अभी आज तक कभी सपा यहाँ पर जीत ही नहीं पाई है। आप कह रहे हैं सपा की टिकट निकलेगी, आप कैसे बात कर रहे हैं सर? नहीं, अभी आज तक जीता है कि नहीं जीता आप ही बता दीजिए। नहीं, क्यों नहीं जीता है? कहाँ जीते हैं? यहाँ मझमा से कभी कहाँ कोई विधायक बना है सपा का? हम जो आपसे कह रहे हैं आप हमारी बात को गठन कर लीजिए, यहाँ सब उतारू हो गया है। अच्छा, हाँ, क्या हाथी मेरा साथी? हाँ। वो नहीं होगा हाथी। अच्छा, मतलब हाथी साथी नहीं रहेगा, मतलब आपके हिसाब से सपा का माहौल लग रहा है, क्या खास बात लगता है? और डॉक्टर ज्योति बिंद चुनाव मैदान में MBBS भी करके आई हैं, मात्र 25 साल का उम्र है, नवयुवा भी हैं। ठीक है, नवयुवक हैं, अगर भगवान उनको सिर दिया है तो जीतेंगे। तो बताइए, क्या खास बात लगता है, क्या करेंगे आगामी, आपको क्या लगता है कि अगर नवयुवक हैं तो आएंगे तो क्या कुछ करेंगे? देखिए भाई, अगर वो नवयुवक भाई हमारे वो उनके जो पापा हैं यहाँ के 3 बार विधायक हो चुके हैं। हाँ, 3 बार विधायक हो वो चुके, वो तो बसपा से थे ना, बसपा से थे हाथी मेरे साथी जो आपने कहा। हाँ, हाँ, तो अब सपा में क्यों चले गए? क्यों चले गए? भाजपा में आ गए, क्यों आए फिर सपा में चले गए? हाँ, लेकिन ज्योति बिंद जीतेगी ये मेरी धारणा है।
चलिए, मतलब इनका कहना है कि ज्योति बिंद जीतेंगी, और चूंकि उनके पिताजी रमेश बिंद यहाँ से इसी मझवा विधानसभा से 3-3 बार विधायक रहे, वो भी लगातार बहुजन समाज पार्टी की टिकट पर, लेकिन अब वो सपा में चले गए हैं। सपा से इन्होंने यहाँ से मिर्जापुर लोकसभा का संसदीय चुनाव भी लड़ा था, और अब उनकी बेटी चुनाव मैदान में मझवा उपचुनाव में। डॉक्टर ज्योति बिंद, पहले भी आपने इनका इंटरव्यू देखा होगा हमारे चैनल पर, और तमाम बातें हमारी हुई थी, और उनके एजुकेशन के भी बारे में हम लोग बात करते थे, उन्होंने कहा था हमने MBBS करके हम यहाँ पर लौटे हुए हैं। हाँ। आपसे और जरूर बोलेंगे, अगर आप सुचित्रा मौर्य यहाँ से खड़ी होंगी विधायकी में, उनको कोई वोट नहीं देगा। अच्छा, ऐसा क्यों? वो पहले यहाँ विधायक थी, ठीक है। हेलो सर। हाँ, वो बोली कि रोड मैं बनवा दूंगा। अच्छा, जिस रोड पे हम लोग खड़े हैं? नहीं नहीं, ये नहीं। हाँ। इसके वो बगल वाला, मतलब मार्केट के उस तरफ की आप बात कर रहे हैं, चौराहे उस बार। अच्छा। वो आई थी, देखी और कही थी कि मैं ये रोड बनवा दूंगा। अच्छा। ये बताइए, एक गरीब जैसे हम लोग के पास तो भाई भगवान दिया है, लेकिन एक गरीब अगर मुसहर पार्टी है, उसको कम्बल नहीं मिला ही ब्लॉक से। अच्छा अच्छा, ये बताइए, ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का माहौल चल रहा है, आपको क्या लगता है, क्या परिचय हुआ, नाम बताएं? समाजवादी पार्टी, नाम वहाँ बताइए। अनिश कुमार ओझा मेरा नाम है। हाँ, मैं एक समाज सेवी हूँ, और मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण कल्याण संस्था में राष्ट्रीय महासचिव भी हूँ। हाँ। लेकिन समस्या है कि विगत कई वर्षों की भांति इस वर्ष भी लगातार जो समस्या यहाँ की रही है, आज तक समाजवादी पार्टी कभी भी चुनाव नहीं जीती है, न तो जीत पाएगी। हाँ। इसका भी मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ। बताएं। जैसे उदाहरण यह है कि रजिंदर पाड़े जी चुनाव लड़े थे, सबसे ज़्यादा उठ पाए। उसके बाद रोहित शुक्ला जी एक बार चुनाव लड़े, वो भी लगातार, उन्होंने भी लगातार 2 बार चुनाव लड़ा, एक बार 44,000 उठ पाए, एक बार उन्होंने एक फिर से चुनाव रोहित शुक्ला जी लड़े, एक बार 67,000 उठ पाए। तो इस तरह से स्थिति समाजवादी पार्टी की रही है, जो स्थिति समाजवादी पार्टी की रही है वही स्थिति लगातार यहाँ पे बनी हुई है। कुछ ऐसे समाजवादी पार्टी के लोग हैं जो कि समाजवादी पार्टी के लोगों को उबरना नहीं देना चाहते। अच्छा, दूसरी बात यह है कि समाजवादी पार्टी आज तक, चलिए देखिए, ये कह रहे हैं कि सपा और ये कह रहे हैं बसपा। दादा, आप क्या कह रहे हैं, किसका माहौल मझवा के उपचुनाव में लग रहा है? अरे भैया, हमको कौन सुनाए मालूम बा। अरे का लगा था कोई जीती उती, का लगा था कौन पार्टी के लोग जीते हैं? पता है कौन पार्टी जीती है कि हरी? अरे ओटिया ओटिया देबे कि ना? ओटिया दे देगा जब केहू के। मतलब केहू काहे दे देबे? आए भैया, जो खड़ा है तो दे दे। जा इधर आइए, कह रहे हैं कोई के उटिया दे दे, ऐसा कह रहे हैं? काहे ऐसा कहा था, केहू काहे दे देवे? ये बताएं, आप बता, सुनिए, क्या लग रहा है माहौल, क्या लग रहा है यहाँ का? हाँ, यही यहाँ भाजपा जीत गया है। हाँ, देखा कहते भाजपा जीत जाए, सपा और बहुजन वाले आइए भैया, सपा वाले इधर आइए। देखिए, भाजपा के सांसद जी यहाँ विधायक थे, और यहाँ सुचमुजा मौर्या विधायक थी, लेकिन एक भी उन्होंने काम किया नहीं है, और न वो लोग काम कर पाएंगे। भाजपा की है विधायक, आप कहीं भी चले जाइए, हमारे यहाँ 46 ग्राम सभा है, 46 ग्राम सभा में लगातार 99% गड्ढा है। जो गड्ढा मुक्त, जो डबल इंजन सरकार कही जा रही थी, वो सरकार फेल है। हमें नहीं कि गड्ढा मुक्त कर दिए हैं हम पूरे मतलब प्रदेश को, जब ये मझवा विधानसभा गड्ढा मुक्त नहीं कर पा रहे हैं, तो पूरे प्रदेश को कैसे गड्ढा मुक्त करेंगे? ये समस्या है, और जो समस्या है वो आप लोग देख ही सकते हैं, आप लोग सभी लोगों से पता कर लीजिए, अगर गड्ढा नहीं होगा तो हमें आप बताइएगा। तमाम जो साथी हैं वो तो हैं ही, लेकिन जो लंकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इनका कहना है कि सपा ही इस बार यहाँ से जो विधानसभा का उपचुनाव है जीतेगी। अभी उन्होंने कहा कि ये कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार बनेगी। सर, अंग्रेजी में कुछ बताइए। नहीं, हम अंग्रेजी देखो बहुत लैंग्वेज हमारा बड़ा तेज है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को भी आप बताइए तब। ऐसा है सर, प्लीज हैंड ओवर, आई एम सेटलमेंट, दिस इज माय लंकेश, आई एम गवर्नमेंट करंट फ्रॉम मिर्जापुर। ठीक है, से आप पढ़ाई किए हैं? हाँ जी, ऐसे स्कूल से हम पढ़े लिखे आदमी हैं, और हम ये जानते हैं इस भाजपा के सरकार में महंगाई इतनी बढ़ गई है कि हम लोग अपने औरत को
500 रुपया दे रहे हैं, दो दिन में खत्म हो जा रहा है। क्या ला रहे हैं उस 500 रुपए का? अरे तेल मांगा है, प्याज मांगा है, लहसुन 350 रुपया किलो बिचा रहा है। अब बताइए गरीब आदमी कहाँ से इतना पैसा लाएगा? तब पर भी तो बार बार भाजपा की सरकार बन रही नहीं है। नहीं तो भाजपा की सरकार अब नहीं बोलेगी। दियारे बाउंड दुनिया नो सस्पेक्शन, जो मैं कह रहा हूँ उसको मेरे बात को मानिए। नहीं आपको तो बात को मानेंगे और जनता भी इस बात के आपको सुन रही होगी तो वो भी चुनाव में। नहीं, अगर हमारी जनता सुने उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। नहीं तो आपके हिसाब से तो वोट देगी वो फिर सब सपा को उड़ जाएगा। हाँ तो जैसे आपने कहा कि सपा को उड़ जाएगा, अगर आपके बातों से अगर वो सुने, अगर आपके बातों से अगर वो सहमत होंगे तो वो आगामी जो मजमा का उपचुनाव होने वाला हो सकता है कि आपके कहने के हिसाब से उसी पार्टी को उड़ दें जिसको आप कह रहे हैं। नहीं सर, हमारी ये बात आप सुनिए प्लीज। बोलिए बोलिए। देखिए हमारा बात अगर आपसे मुखार में सुनना चाहते हैं सुनिए। बताइए बात समझिए। नहीं जैसे गरीबों को क्या चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान। हाँ क्या दे रहे हैं, 5 किलो गेहूँ और 2 किलो चावल मिला था वो खाई जाते हैं। कौन खा जा रहा है? अरे घर वाग मना ये खाई जाते ना वो के खाई। मतलब आपको नहीं मिल रहा है? नहीं हमको तो मिलेगा क्यों नहीं। हम तो भगवान से मनाते हैं कि हे भोलेनाथ। बताइए हम ये कहना चाहते हैं कि जिसे वो औरत का कही आपसे कि पानी रोज काज के फेंकते हैं, उसकी समस्या आप सुने। हाँ, वो चली गई तब तक आपसे बात हो रहा तभी वो चली गई कि आपको उसकी समस्या को दिखाया जाता है। हर आदमी हर गरीब का समस्या रहना चाहिए। अगर किसी के यहाँ शादी ब्याह पड़ गया, हलवाई जिसे मैं हूँ, मैं पुर्जा बनाऊंगा तो 10 किलो पनीर में 8 किलो प्याज लिखूंगा, जितने का पनीर नहीं उतना का प्याज लहसुन आदि मर्चा हो जाएगा। तो ये महंगाई कहाँ से आ रही है, ये एक चिंता का विषय है आपके यहाँ। चलिए देखिए ये महंगाई से बड़ा परेशान है और यहीं कराने वाले हैं। हाँ यही कहने वाले। बताइए चुनाव उनाव के बारे में, माहौल क्या है, समस्याएं क्या हैं जिसको पूरा नहीं कर पाए पिछले लोग। चुनाव के बारे में देखिए हम राजनीति हमसे दूर रहते हैं। कुछ समस्या तो बता दीजिए, वही समस्या ही बता दीजिए। समस्या तो सब गए, कितने लोग की समस्या देखेंगे, घर घर जाके समस्या देखेंगे। नहीं जैसे जो आगामी भविष्य में चुनाव होने वाला है उस बात को लोग ये तो देखेंगे ना कि हाँ इस मझमा विधानसभा में क्या समस्याएं हैं जिसको आगामी भविष्य में सुधारा जा सकता है। समस्या तो यहाँ बहुत है, बहुत समस्या है। और बसरते बात यह है कि सर कि अभी तक तो सीट ही नहीं क्लियर हो पाया मझमा से कौन कौन लड़ेगा। नहीं बाकी सभी ने तो कर दिया, भाजपा ही नहीं केवल किया है। और ऐसे कैसे बता दे कौन जीतेगा, अभी तक कोई प्रत्याशी मिला ही नहीं। हमने ये आपसे पूछा ही नहीं कौन जीतेगा, हमने पूछा कि माहौल क्या है, तो किसका लहर चल रहा है। जब कोई जब प्रचार करेगा प्रसार करेगा तब न मालूम चलेगा माहौल क्या है, अभी तक कोई प्रत्याशी प्रचार ही नहीं निकले हैं करने के लिए। चलिए देखिए हम लोग उसी मझवा विधानसभा के उपचुनाव की हम लोग बात कर रहे थे, मिर्जापुर जिले के मझवा उपचुनाव में, जहाँ पर कि अभी कुछ दिन पूर्व ही डॉक्टर विनोद बिंद जो कि यहाँ से विधायक थे उसके बाद वो अब भदोही के सांसद बन जाते हैं तो ये सीट रिक्त हो जाती है, ये सीट रिक्त हो जाती है। उसके बाद फिर से यहाँ पर उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है, आगामी भविष्य में इसके चुनाव होने वाले। उसके थोड़ा सा हम लोग माहौल जानने के लिए क्षेत्र में भ्रमण किए कि आखिरकार यहाँ का क्या माहौल है। लोगों ने बताया कि तमाम अलग अलग लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रिया है, अब इस प्रतिक्रिया को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपको क्या लगता है कि मझवा विधानसभा में किसका लहर चल रहा है वो भी कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। फिलहाल मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।